गुजरात में आज भी प्रधानमंत्री मोदी का मैराथन प्रचार। पालीताना में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा अपना गुजरात आगे बढ़े, समृद्ध बने, यही हमारा लक्ष्य है। अंजार में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा कच्छ भयंकर भूकंप से तबाह हुआ तो राज्यों की नीतियों की मदद से कच्छ ने फिर से उठकर आशंकाओं को पीछे छोड़ दिया। जामनगर में होगी पीएम मोदी की रैली, वहीं राजकोट में पीएम मोदी की महासभा। 2001 में राजकोट से जीतकर नरेंद्र मोदी बने थे गुजरात के मुख्यमंत्री। 27 सालों से राजकोट पर बीजेपी कर रहा है दबदबा, मतदाताओं से वोट मांगने के लिए राजकोट पहुंचेंगे पीएम मोदी। भगवा रंग से लहराया पूरा ग्राउंड, भारी संख्या में समर्थकों के आने की उम्मीद, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अयोध्या में भगवान राम के शुभ विवाह की तैयारियां, मंदिरों में गूंज रहे हैं मंगल गीत। अयोध्या के 11 मंदिरों से निकलेगी भव्य राम बारात, करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान। भव्य बारात गाजे बाजे, हाथी घोड़े और आतिशबाजियों की धूम के साथ निकलेगी, नगरवासी और श्रद्धालु करेंगे पुष्प वर्षा और आरती। रथ पर प्रभु राम के साथ तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी आएंगे नजर, ढोल नगाड़ों के साथ बारात जानकी महल पहुंचेगी। आज विवाह पंचमी है, विवाह पंचमी को लेकर भगवान राम और सीता के भव्य और दिव्य विवाह का होता है आयोजन। श्रीराम की ससुराल जनकपुर में भी विवाह उत्सव की धूम, पूरी नगरी दुल्हन की तरह सजी। विवाह पंचमी पर जनकपुर में सीताराम के विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन, मंदिर में गाए जा रहे हैं भजन और कीर्तन। विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्यावासी नेपाल पहुंचे, मंदिर प्रांगण भक्तगणों से खचाखच भरा, रात 8 बजे वैवाहिक कार्यक्रम। वैवाहिक आयोजन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जनकपुर में किया गया है सरकारी छुट्टी का ऐलान। अयोध्या जाने वालों की बहार, अयोध्या में चल रहा है रामायण मेला, 4 दिनों तक चलेगा मेला। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड पर यमुना में सीवर का पानी छोड़ने पर लगाया था 50 करोड़ का जुर्माना, जुर्माने की रकम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा करने के लिए कहा था। दिल्ली के साथ साथ यूपी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई। एनजीटी ने नोएडा पर भी 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। स्कूलों में 6 से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अलावा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई जनवरी में होगी। निधिवन राज में बांके बिहारी के प्रकट उत्सव की धूम, आस्था में सारोबार दिखे भक्त। निधिवन राज में उत्सव का माहौल, देश विदेश के फूल और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया धाम को, दूध दही घी और शक्कर से किया बांके बिहारी का महाभिषेक। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल किया हलफनामा, जल्द कानून लाने की तैयारी। ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने के मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जस्टिस प्रकाश पांडे की सिंगल बेंच ने की सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा, रिजर्व, 2 हफ्ते बाद आ सकता है फैसला। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखा राहुल गांधी का अनोखा अंदाज, यात्रा के दौरान साइकिल चलाते नजर आए राहुल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
इंदौर में कॉन्सर्ट का शानदार आयोजन। कॉन्सर्ट में भारतीय रैपर विवियन फर्नांडिस ने बांधा समा। इंदौर में राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कांग्रेस की ये यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ और जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ। जनसंख्या विस्फोट को लेकर दिल्ली में रैली का आयोजन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी रैली में हुए शामिल। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी, वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट, अब तक 3 बार एफएसएल रोहिणी लाया गया आरोपी, पॉलीग्राफ टेस्ट में और खुलासे होने के लगाए जा रहे हैं कयास। आज के पॉलीग्राफ टेस्ट से दिल्ली पुलिस को मिलेगी काफी मदद, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगी नार्को टेस्ट की तैयारी, अगले सोमवार को नार्को टेस्ट की उम्मीद। अंबेडकर हॉस्पिटल में आफताब का होगा नार्को टेस्ट, टेस्ट के वक्त एफएसएल टीम के एक्सपर्ट श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े करेंगे सवाल, पूछताछ के दौरान लैब से बाहर रहेगी दिल्ली पुलिस। नार्को टेस्ट से पहले आफताब की पूछी जाएगी वर्दी, नार्को टेस्ट के लिए आफताब को लाया जाएगा भूखा, नार्को टीम की मौजूदगी में होंगे सवाल जवाब। पंजाब सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, पराली जलाने के मामले में दायर सभी मामले लिए वापस। पराली जलाने के सिलसिले में जारी रेड एंट्री नोटिस भी वापस, रेड एंट्री की वजह से किसान ना तो अपनी जमीन बेच सकते थे और ना ही बैंक से कर्ज ले सकते थे। गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने फिर किया जीत का दावा, कहा गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीतेंगे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी के हाथ में होगी कमान। दिल्ली में नहीं थम रहा वीडियो और पोस्टर वॉर, जैन पर बीजेपी ने फिर जारी किया पोस्टर, आपने कहा बीजेपी खोलेगी वीडियो की दुकान। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में की शिरकत, लोगों की समस्याएं सुनी। केंद्र सरकार ने यूपी के मदरसों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर किया बड़ा फैसला, अब कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। पिछले साल मदरसों में 4 से 5 लाख बच्चों ने ली थी छात्रवृत्ति, 16,598 मदरसों के बच्चे हुए थे इस योजना से लाभान्वित। मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिड डे मील और किताबें फ्री में दिए जाने के चलते लिया गया फैसला, अब केवल 9वीं और 10वीं के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। यूपी की राजधानी लखनऊ की खूबसूरती निखारने के लिए बड़ी तैयारी, अभियान चलाकर खुले कूड़ा घर को जल्द किया जाएगा खत्म। लखनऊ में अब नई तकनीक से होगा कूड़ा निस्तारण, इसके लिए 100 एमआरएफ सेंटर बनाए जाएंगे। गुजरात चुनाव में केजरीवाल ने झोंकी ताकत, सूरत में कपड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारियों से की मुलाकात। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर एक और वीडियो अटैक, तिहाड़ में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के 2 और वीडियो जारी। संबित पात्रा का केजरीवाल पर पलटवार, कहा वो भ्रष्टाचार करे और हम सीडी भी ना बनाएं, भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हमें सीडी प्रोडक्शन कंपनी का तमगा मंजूर। उत्तर प्रदेश में मुख्य मार्गों से हटाए जाएंगे रिक्शा, सभी जिलों के डीएम को भेजे गए दिशा निर्देश। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक लंगूर की हरकत बनी चर्चा का विषय, कोतवाली क्षेत्र के बीच बाजार में लंगूर ने 2.5 घंटे तक एक दुकान के काउंटर पर जमाए रखा कब्जा। मैनपुरी के करहल में सीएम योगी ने की रैली, लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सत्येंद्र जैन का मुद्दा उठाया, कहा केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में खोला मसाज सेंटर, रेपिस्ट को बनाया थेरेपिस्ट। जेपी नड्डा ने एमसीडी चुनाव में किया प्रचार, सीएम केजरीवाल पर एमसीडी का 32,000 करोड़ रुपए नहीं देने का लगाया आरोप।
एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा एजीआर की रिपोर्ट में खुलासा। गंगा में सीवेज बहाने पर 1 लाख रुपए जुर्माना, साबुन इस्तेमाल करने पर 5,000 की पेनल्टी। हरिद्वार में लोगों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 1 दिसंबर से नया ट्रैफिक प्लान होगा लागू। पहले चरण में ई रिक्शा के लिए 16 रूट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें तय संख्या में ई रिक्शा चलाए जाएंगे। हाईवे पर ई रिक्शा प्रतिबंधित रहेगा। गुजरात में मतदान के लिए जागरूक रहने की पहल, जूनागढ़ में पटेल रेस्टोरेंट ने ग्राहकों के लिए निकाली अनोखी स्कीम। जो भी मतदान करने के बाद यहां खाने के लिए आएगा और उंगली पर लगी मतदान वाली स्याही का निशान दिखाएगा, उन्हें 25% की छूट मिलेगी। एक्टर शिल्पा शेट्टी का नया कारोबार, मुंबई में खोला पिज्जा कैफे पिज्जा। अयोध्या को जल्द मिलेगी एक और सौगात, यहां नया घाट चौराहे के पास बनाया जाएगा स्ट्रीट फूड प्लाजा। अयोध्या में फूड हब बनने से राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले भक्त ले सकेंगे शानदार खाने का जायका, फूड हब में एक ही छत के नीचे मिलेंगे कई स्वाद। मुंबई में नौसेना दिवस समारोह के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी, नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित इस प्रदर्शनी में 2000 से अधिक छात्र हुए शामिल। माउंटेन बाइकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिमला और आसपास के इलाकों में साइकिल रैली का आयोजन, 36 सवारों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऑटम आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन, एग्जीबिशन में लगाई गई शानदार पेंटिंग। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम बड़ी उपलब्धि, स्टेडियम में एक T20 मैच में सबसे ज्यादा दर्शकों के आने का गिनीज रिकॉर्ड कायम। 29 मई 2022 को आईपीएल फाइनल के दौरान 1,01,566 दर्शक स्टेडियम में थे मौजूद, गुजरात और राजस्थान के बीच हुआ था मुकाबला। गोवा में समुद्री किनारों को साफ सुथरा रखने के लिए फैलाई जा रही है जागरूकता, मीरामार बीच पर सीएम प्रमोद सावंत ने क्लीनथॉन इनिशिएटिव का किया शुभारंभ। गोरखपुर में इंजीनियरिंग की छात्राओं ने बनाया अनोखा हेलमेट, सेना और सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बन सकता है मददगार। एआई बेस्ड हेलमेट खतरे को भांपने और ऑटोमेटिक फायरिंग में सक्षम, बर्फबारी के दौरान फंसे सैनिकों को ट्रैक करने में भी मिलेगी मदद। दिल्ली में नहीं सुधर रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहीं शीतलहर के साथ ठंड बढ़ी। उत्तर भारत में हुई कोहरे की शुरुआत, देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना। चंद्रपुर फुटओवर ब्रिज हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान, रेलवे के दोषी अधिकारियों पर दर्ज होगा मुकदमा। छपरा बलिया रेलखंड पर टला बहुत बड़ा हादसा, बिना रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद हुए गुजरी यात्री ट्रेन। गोरखपुर पोस्ट ऑफिस में लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करने वाला जालसाज गिरफ्तार, जालसाज के पास से कई फर्जी पासबुक भी हुए बरामद। खूनो नेशनल पार्क के छोटे बाड़े में दो मादा चीतों का क्वारंटीन खत्म हुआ, दोनों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। बड़े बाड़े में अब हो गए हैं 5 चीते, अभी भी 3 मादा चीते छोटे बाड़ों में हैं, इन्हें भी जल्द बड़े बाड़े में छोड़े जाने की उम्मीद है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, एयरपोर्ट की तरह बनेगा नया स्टेशन, करीब 350 करोड़ रुपए की आएगी लागत। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग होगी 3 मंजिला, मल्टी लेवल पार्किंग का होगा इंतजाम, यात्रियों के बैठने के लिए भी बड़ा वेटिंग एरिया होगा। कर्नाटक के गदाग में फेंका मिला 3 दिन का नवजात, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को दी सूचना, अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारतीय क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ का अनोखा कारनामा, विजय हजारे ट्रॉफी मैच में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 1 ओवर में लगाए 7 छक्के, दोहरा शतक भी जमाया। एयरटेल 5G बिहार में लॉन्च, बिहार की राजधानी पटना में मिल रही है 5G की सुविधा। शेयर मार्केट से आई खुशखबरी, सेंसेक्स 62,504.80 के नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ, निफ्टी 18,562 तक पहुंचा।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कल ऑटो विक्रय एसोसिएशन की विरोध रैली, ट्रैफिक पुलिस ने बनाया रूट प्लान। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की भी कल से हो रही है शुरुआत, आरक्षण और सरकारी नौकरी को लेकर राजधानी की अधिकतर सड़कें रहेंगी जाम।